गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रभा और कुक विद प्रभा में है आपका स्वागत। आज मैं आ गई हूँ वापस लेकर के इतनी ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी ना कि आप अगर इसे खाएंगे तो जैसे ये स्माइली आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्ट वैसे ही आप स्माइली स्माइली करते रहेंगे हमेशा। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है एंड आई एम डैम श्योर फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इसे आप स्नैक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज्यादा इजीली बहुत ही कम सामान में बना सकते हैं फटाफट बहुत ही कम टाइम में। तो आइए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी क्रिस्पी स्माइली पोटैटो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को हम कर लेंगे इस तरीके कद्दूकस। इससे ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगा, बिना गुठलियों के हो जाएगा। इस तरीके मैश करने से क्या होता है ना दोस्तों कि इसका जो गुठलियां होती है वो अच्छे से खत्म हो जाती है, अच्छे से मैश होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, अब इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। तो अब इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। इस तरीके हम ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे। अब इसके बाद मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, इसको डाल लूँगी। इसके बाद अब मैं डाल लूँगी इसमें जीरा पाउडर। अब मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसके बाद डालेंगे चाट मसाला। अब चाट मसाला के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इस तरीके डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, तो इसको गूंथते वक्त पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें बॉयल्ड पोटैटोज़ यूज़ किए हैं तो वो मॉइस्चर ऑब्वियसली रिलीज़ करता ही है, आप सभी को पता होगा। तो उसकी वजह से आप बिना पानी के इसको बाइंड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लगभग मिक्स करने के बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। आपको पता है कि मैं नमक हमेशा लास्ट में ऐड करती हूँ ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो। तो अभी हम इन्हें बाइंड कर लेंगे, मतलब अच्छे से गूंथ लेंगे इस तरीके। तो हमने इसका जो डो था वो बना लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इस पर ऑयल स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, इसको चिकना कर लेंगे इस तरीके, मसल के बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए इसका डो। तो ये देखिए डो हमारा बिल्कुल चिकना हो चुका है अच्छे से। और ये देखा आपने, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड हुआ है डो बनते वक्त, तो पानी ऐड करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। शुरुआत में आपको थोड़ा सूखा सूखा लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी ऐड करके इसको बनाएं, बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। अब इस तरीके डो को बाउल से निकाल के आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे रख करके थोड़ा सा और मसल लें, मतलब इसको बिल्कुल चिकना कर लें इस तरीके, ऑयल ग्रीस करके अच्छे से इसको स्मूथ कर लेंगे। अब मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी इस तरीके, इक्वल पार्ट्स में, और दोनों की लोइयां बना लूंगी बिल्कुल इस तरीके, अच्छे से लोइयां बना लूंगी इसकी। तो इस तरीके अच्छे से लोई बनाएंगे, बना करके इस तरीके इसको थोड़ा सा फैलाएंगे। फिर आप इसको प्लीज़ बेलन से मत बेलिएगा, मैं देखती हूँ काफ़ी लोग इसको बेलन से बेल लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। अब इसको हम रखेंगे प्लेटफॉर्म पर इस तरीके, हाथों में थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, फिर इस तरीके हम इसको फैलाते जाएंगे। जैसे आप आलू का पापड़ नहीं बनाते हैं तो इसको फैलाना पड़ता है, बिल्कुल उस तरीके इसको फैला लेंगे। और ध्यान रखें कि ये बिल्कुल थिक होना चाहिए, लोग बेलते हैं तो ये पतला हो जाता है, तो इसको बेलिएगा नहीं। और अगर बेलेंगे भी तो बिल्कुल भी पतला मत करिएगा इसको, ये थोड़ा मोटा रहता है ना तो ये बहुत अच्छा बनता है। अच्छे से इसको शेप दे देंगे इस तरीके। अब मैं इस तरीके की एक कैप ले लूँगी, बिल्कुल इस तरह की, इस तरीके कैप रख रख के मैं इनको काट लूँगी इस तरीके, अच्छे से ऐसे ही हम सारी राउंड बना लेंगे, सारे राउंड्स कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे स्माइली कट कर लिए हैं सारे राउंड शेप में, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इस तरीके कटना चाहिए। अब मैं एक किनारे से ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको निकाल लूंगी अच्छे से,
बिल्कुल इस तरीके। तो मैंने बचे हुए पार्ट को हटा लिया है। अब मैं इस तरीके किसी छोटी सी स्टिक अदरवाइज कोई टूथपिक की मदद से इसमें आंख बना लूंगी होल करके इस तरीके। वैसे ही हम बाकी सारे स्माइली में भी आंखें बना लेंगे इस तरीके। अब एक स्पून की मदद से इस तरीके इसका मुंह बना लेंगे बिल्कुल इस तरीके। ऐसे ही हम सारे स्माइली का डिजाइन बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे स्माइली को डिजाइन दे लिया है। ये कितने ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। और ये स्माइली खाने के बाद ना आपकी जिंदगी भी बिल्कुल स्माइली स्माइली हो जाएगी। फिर आप इसको रोज बनाएंगे स्माइल करते हुए। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब इस तरीके एक एक करके हम सारे स्माइल्स को डाल लेंगे कढ़ाई में इस तरीके। हम अच्छे से इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, मीडियम लो फ्लेम पर। जब तेल गर्म हो जाएगा ना, तो जब आप इसको स्टार्टिंग में डालेंगे तो फ्लेम हाई होना चाहिए इसको क्रिस्पी करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद जब ये सेट हो जाएगा इनका पूरा बेस, तो आप फ्लेम लो कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सारे स्माइल्स है ना, इनको खाने के बाद ये आपको स्माइल करने पे मजबूर कर देंगे। मतलब ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरी तो फेवरेट रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा इजीली बन भी जाती है। आप इसे स्नैक्स में, अदरवाइज सुबह नाश्ते में, अगर आपने कुछ नहीं बनाया आप जल्दी जल्दी में, तो आप इसको चाय के साथ दे सकते हैं अगर आप जल्दी में है तो। और अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप इनको नमकीन की जगह पर भी सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसको बनाने के बाद ना आप खुद इतने खुश हो जाएंगे ना कि आप इसको रेगुलरली बनाना चाहेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में। और इनकी सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है ना कि ये दिखते भी मतलब कार्टून टाइप के एकदम बिल्कुल स्माइली स्माइली, तो बच्चे भी इनको बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही ईजिली बनते हैं, मतलब इतने कम टाइम में इतने ईजिली कोई भी स्नैक्स आप नहीं प्रिपेयर कर सकते जितना ईजिली आप इनको बना सकते हैं। अब मैं इनको अच्छे से इस तरीके पलट लूंगी। ये काफी अच्छे से रेड कलर में आ चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। दोस्तों इनकी खास बात तो ये है कि आप इन्हें चाहे तो स्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं, और जब भी आपका मन हो ना आप फटाफट से निकाल के इनको सर्व कर सकते हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी पोटैटो स्माइली की जो रेसिपी थी बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर के हो चुकी है रेडी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। वैसे मुझ में इतना ज़्यादा आर्ट नहीं है, तो कोई कोई आपको लग रहा होगा कि हाँ ये अच्छे डिज़ाइन नहीं दे पाई, बट गाइस फिर भी ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या कितना डिस्क्राइब करूँ। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। अभी मैं फ्राई करके निकाल ही रही हूँ इनको। और अगर मुझ में बिल्कुल भी आर्ट नहीं है, फिर भी गाइस इतने टेस्टी और इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो आप अगर चाहें ना तो इसे इतना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है, इजी लगी है, टेस्टी लग रही है देखने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियोज़ को कर ले लाइक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कंजूसी मत करिएगा सब्सक्राइब करने में और वीडियोज़ को लाइक करने में।